करता हूं, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका। 45 किलोमीटर दूर है ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इतना पुराना है, यहाँ पे इंसान आके पहली बार बसा था, उसने पेंटिंग्स बनाई। तो आप समझ ही सकते होंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो ये खजाना है। और दोस्तों ये जो केव्स हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं दोस्तों, खाली 12 ही गुफाएं जो हैं वो विजिटर्स के लिए ओपन है। लेकिन ये जो केव्स हैं ये इतनी पुरानी हैं 10,000 साल पहले ये केव्स बनी थी और यहाँ पे लोग आके रहते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम बात करेंगे रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका, लेक्चर 32, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर्स बचे हुए हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है, चलते फिरते पढ़ते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कल्चरल साइट्स हम इन सबका रिव्यू कर चुके हैं, आगरा फोर्ट, अजंता, नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर सांची, पावागढ़, सीएसटी कॉन्वेंट्स, एलिफेंटा, एलोरा केव्स, फतेहपुर सीकरी, चोला टेम्पल, हम्पी, महाबलीपुरम, पट्टाडकल, राजस्थान, अहमदाबाद, उसके बाद हुमायूं टूम, खजुराहो, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, माउंटेन रेलवे, कुतुब मीनार, रान की वाव, पिछला रेड फोर्ट और आज रॉक शेल्टर्स। अब इतनी चीजें बची हुई हैं, फटाक से हम इसको भी खत्म करेंगे। तो ये नेचुरल साइट्स हैं, इन सब का भी रिव्यू हो चुका है और एकमात्र मिक्स्ड साइट का भी रिव्यू हो चुका है। तो आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब दोस्तों हम भीमबेटका की बात करते हैं, कहां पे है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी में है ये, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, आसानी से ट्रेन भी जाती हैं, बस भी जाती हैं, इजिली एक्सेसिबल है, आप जा सकते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ 12 केव्स जो है ना वही विजिटर्स के लिए ओपन है। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको पेंटिंग्स मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे पूरी एग्जीबिशन है पेंटिंग्स की या बड़े बड़े आर्टिस्ट ने ये पेंट किया, ना ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। यहां आपको पेंटिंग पुरातत्व काल की मिलेगी, यहां आपको पेंटिंग पालियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के टाइम्स की मिलेगी, इतनी पुरानी, हजारों हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिलेगी। और यहां आपको रिचुअल्स मिलेंगे, यहां आपको उनका कल्चर मिलेगा, यहां जानवरों की पेंटिंग्स मिलेगी, यहां औरतों की पेंटिंग्स मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 700 से ज्यादा केव्स है और इन पे रिसर्च जो है वो चलती रहती है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो खजाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये 1958 में इन केव्स को डिस्कवर किया गया था। भीमबेटका का मतलब क्या है? भीम की बैठने की जगह, भीम और बेटिका यानी कि बैठिका, भीम के बैठने की जगह। आपको पता ही है ना, कुंती के 5 बेटे थे, है कि नहीं? कौन कौन सबसे बड़े थे भैया? धर्मराज, युधिष्ठिर, दूसरे कौन थे? ताकतवर महाबली भीम, उन्हीं के नाम पे ही भीम बेटिका रखा है। तीसरे धनुर्धारी अर्जुन, चौथे और पांचवे नकुल और सहदेव, ठीक है? तो यहां पे महाभारत का भी रेफरेंस हमको देखने को मिलता है, समझ गए? बहुत ही बढ़िया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया है 2003 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 750 रॉक शेल्टर्स 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो पहले तो आपको भोपाल से 45 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर आपको काफी ज्यादा घूमना पड़ेगा 10 किलोमीटर। अब दोस्तों ये पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, थोड़ी दूर ही चले जाएंगे तो विंध्यन रेंज स्टार्ट हो जाती है, खूबसूरत विंध्यन रेंज, बगल में ही रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये पूरा जो एरिया है, वैसे तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा अगर हम पेड़ों की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, बहुत ही खूबसूरत, नर्मदा वहां से निकलती है, तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर पूरे एमपी की ही बात करें, और बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने देखा कि एमपी में भी थी, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये जो केव्स हैं 1,00,000 साल पुरानी है, आप विश्वास कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि सर ये पेंटिंग्स कैसे बच गई अगर इतनी पुरानी है? अरे भैया यही तो खासियत है,
ऐसे ही होता है सब कुछ। 1 लाख साल पुरानी कलर्स का यूज किया गया है, रेड येलो ग्रीन कलर्स का यूज किया गया है, बताया गया है कि हमारी लाइफ कैसी थी। हंटर गैदरर्स, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दो स्टोन एज की बात करें, ठीक है, तो दो एज में डिवाइड है ये, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे दो एज में डिवाइड है, ठीक है। फिर लोअर, उसके बाद अभी हम डिस्टिंक्शंस पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ओल्ड स्टोन एज, जिसको पालियोलिथिक एज बोला जाता है, पालियो ओल्ड, लिथिक स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। अब इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो 33 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 11,500 साल तक ये है पूरा का पूरा पालियोलिथिक एज का डिविजन है, बिलो प्रेजेंट, 1950 से पहले की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 33 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ साल आप मान लीजिए, से 11,500 साल तक ये पालियोलिथिक एज चली। उसके बाद पालियोलिथिक एज में फिर फर्दर डिविजन है, ठीक है, क्या डिविजन है, फिर सबसे पहले तो आती है हमारी लोअर पालियोलिथिक एज, ठीक है, जो कि 33 मिलियन से 3 लाख साल तक। उसके बाद आती है हमारी मिडिल पालियोलिथिक एज, जो कि 3 लाख से 45,000 साल, ये जो हजार और लाख, ये आज से इतने साल पहले, ठीक है। अगर मैं 45,000 साल पहले, यानी कि आज से 45,000 साल पहले, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अपर पालियोलिथिक एज, जो कि 45,000 से 10,000 साल पहले। और 10,000 साल के बाद क्या स्टार्ट होगी भैया, नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर कॉपर खोज लिया गया, चालकोलिथिक एज आ गई। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज बनाया जाने लगा, ब्रॉन्ज एज आ गई। अब इसी दौरान दोस्तों ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आई थी। कौन कौन सी 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से तो सभ्यता शुरू हुई थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, जो कि नियोलिथिक के बाद शुरू हुई। अब नियोलिथिक को न्यू क्यों बोला जाता है, न्यू स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया यहां पर कॉपर डिस्कवर होने लगा, आयरन डिस्कवर होने लगा, लोग खेती करने लगे। सबसे पहले इंसान जब आया यहां पे अफ्रीका में आया, अफ्रीका से बाहर निकला वो, ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, वो बाहर निकला। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो हंटर गैदरर था, ठीक है ना, फूड गैदरर था, मतलब वो शिकारी था, वो खाने को इकट्ठा करता था, खेती नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, मतलब इंसान ने वाइल्ड ग्रासेस को वहां पे खेती करना सीखा, तब उसको पता चला कि एक और सोर्स है खाने का, और वहां से फिर नियोलिथिक रेवोल्यूशन आ गया। ये 10,000 साल पहले की बात है। और जैसे ही कृषि का विकास होने लगा, लोगों को अकल आने लगी, उसके बाद हथियार भी शुरू हो गए, और एक बार जब आयरन डिस्कवर हुआ तो बेड़ा गर्क हो गया। अब देख ही रहे हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से कितने बड़े बड़े हथियार, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आयरन, जब आयरन टेक्नोलॉजी, जब से आयरन का डिस्कवर होना शुरू हुआ है तब से बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई हैं। हथियार आयरन से, लोहा अगर नहीं होगा, और लोहा सबसे एबंडेंट मेटल है, लोहा आपको धरती में सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वहां से चीजें खराब हो गई। तो ये आपको डिविजन समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये भैया लोअर पालियोलिथिक एज से अपर पालियोलिथिक एज से ये लोग यहां पर बसना शुरू हो गए। तो ये कमाल की बात है, यानी कि लाखों लाखों साल पहले यहां पे आए, और ऐसा नहीं था कि यहां पे आए और रहते गए, ऐसा नहीं था, यहां पे आए फिर गए फिर आए फिर गए, ये फेजेस में हुआ था, और पेंटिंग्स बनाते गए, अपने निशान छोड़ते गए। और ये सब 19th सेंचुरी में ही डिस्कवर हुआ, जब 1888 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने अपना पेपर लिखा, और 1858 में V.S. वकांकर ने इसको खोज के निकाल लिया। अब ऐसी रॉक पेंटिंग्स आपको बहुत जगह मिलेगी, आपको स्पेन में भी मिलेगी, आपको फ्रांस में भी मिलेगी, आपको इराक में भी मिलेगी, ऐसी बहुत जगह आपको मिलेगी, अफ्रीका में मिलेगी, भारत में भीमबेटका में है रॉक शेल्टर्स, ठीक है, और भी जगह है भारत में, लेकिन ये कमाल है, ठीक है। 1957, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, 1857 बोला मैंने, 1957 इस पूरी साइट को खोज निकाला गया, मतलब आजादी के बाद। और इसके बाद जब
ये पूरा डिस्कवर हुआ, फिर यहां पे ढूंढैया शुरू हुई कि कितनी केस है। अभी तो और भी ज्यादा केस ढूंढी जा रही हैं, बहुत सारी, अभी देखते हैं क्या क्या आता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 750 केस को भी डिवाइड किया गया, जिसमें से 243 लख जुआर ग्रुप की हैं, और उसके बाद फिर उसमें भी 178 शेल्टर्स हैं, उसका भी डिविजन हुआ, ठीक है। तो ये चीज है। फिर ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये 1900 लगभग 1900 हेक्टेयर्स का है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट किया है और 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो ये आपको एक छोटी सी हिस्ट्री मिल गई, बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं कि ये क्या डिपिक्ट करती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, लोगों को रहने की जगह चाहिए कि नहीं। तो लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। अब यहां से अच्छा कुछ नहीं होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि शहर बन गए हैं, ठीक है, पेड़ों को काट के शहर बना दिए गए हैं, नदियों को मोड़ दिया गया है। लेकिन उस समय नेचुरल एनवायरनमेंट था, तो उस समय तो और शेर रहे होंगे, और पेड़ रहे होंगे। और अगर पेड़ रहे हैं तो इसका मतलब यही ये भी होगा कि खाने की कोई कमी नहीं रही होगी इन लोगों के लिए। तो लोग ऐसी ही जगह बसते थे जहां पे सब कुछ हो, खाने की भी कमी ना हो, पानी की भी कमी ना हो। तो कहां बसेंगे आप? जंगल में चले जाओ, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि हंटर्स तो थे ही, शिकार करना तो आता ही था। अब याद रखिएगा दोस्तों, कभी बड़े जानवरों का शिकार नहीं किया जाता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जब शुरू हुआ ना, वहीं से ही डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रासेस शुरू हो गया, वहीं से एग्रीकल्चर आया। जब देखिए, खेती के लिए भी आपको जानवरों की जरूरत होगी, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि ये जो हंटर गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स थे, ये कभी भी बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि ये तो इनको मार देंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री है दोस्तों, आई होप आपने कवर कर ली होगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो लोकेशन है, वाटर आपको यहां पे मिलेगा, फिर फ्लोरा फौना, खाने की सारी चीजें आपको यहां पे मिलेगी, एक नेचुरल शेल्टर है। इसीलिए लोग यहां पे आके बसना शुरू हो गए और फिर डिस्कवरी हो गई। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। अब ये पेंटिंग्स, वैसे तो इसके फेजेस हैं, अपर पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, लोग आते गए, पेंटिंग्स बनाते गए, स्टाइल्स बनाते गए, कलर्स का भी मिक्सचर था दोस्तों उस समय। कलर बताइए, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये कलर्स कैसे? अरे भैया, हमारे पूर्वज जो थे ना, वो बड़े समझदार थे, हेमेटाइट मैग्नीज से कलर निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद ये पेंटिंग्स जो है, जो केव्स में जो पत्थरों पे पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है, जो हमारे पूर्वज बना गए हैं, वो क्या दिखाते हैं? सबसे पहले इनके कल्चर को दिखाते हैं, ठीक है। उस समय का कल्चर क्या था, ठीक है। बड़े बड़े जानवरों को दिखाया जाता है, टाइगर को, राइनोसरस को, घोड़ों को, ठीक है, बोर्स को, एलिफेंट्स को, लॉयंस को, बाइसंस, इन सबको दिखाया जाता है। उसके बाद अपने रिचुअल्स, यहां पे हमको डांसिंग की भी पेंटिंग्स मिलती है कि यहां पे पूरा का पूरा जो गुट है वो डांस कर रहा है, पूरी ट्राइब डांस कर रही है, तो उसकी भी तस्वीरें मिलती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स की भी हमको तस्वीरें मिलती हैं। तो इनके जो रिचुअल्स होते थे, इनका जो कल्चर होता था, वो यहां पे रॉक शेल्टर्स में दिखाई गई है। अब आप ये देख लीजिए, खूबसूरत, ये ऑडिटोरियम केव है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने बताया ना कि 750 में से खाली 12 ही आप विजिट कर सकते हैं, फ्री है, आसानी से जा सकते हैं, यहां पे टिकट नहीं लगता है। तो यहां पे आप 12 ही विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये लोकेशन देख लीजिए, एंट्रेंस है, ठीक है, जब आप जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है ना केव्स, तो ये एंट्रेंस है, और ये पूरा 10 किलोमीटर का एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। अब ये देखिए, ये देख सकते हैं ना कितनी धुंधली पेंटिंग्स है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, डांस कर रहे हैं, जो गुट है वो पूरा का पूरा डांस कर रहा है एक दूसरे को पकड़ के। इसका मतलब बड़ी खुशहाल, हमारे जो पूर्वज थे बड़े खुशहाल रहे होंगे। फिर ये देख लीजिए, ये जो बड़ा सा जानवर है, ये शिकार कर रहा है इस आदमी का, यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं, खुश हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर और जानवरों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से आप यहाँ पे सीधा रिलेट कर सकते हैं। तो ये चीज है कुछ पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स को भी टोटल 7 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है।
सबसे पहले तो पीरियड वन, ठीक है रुके मैं लिख देता हूं, ठीक है यहां पे ही लिख देता हूं, ठीक है सबसे पहले तो पीरियड वन, पीरियड वन की बात करें तो ये अपर पालियोलिथिक एज, ठीक है। अब अपर पालियोलिथिक एज मैंने बताया था 45,000, आज से 45,000 साल पहले से 10,000 साल तक, ठीक है ये पूरा अपर पालियोलिथिक एज। लीनियर रिप्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जानवरों की पेंटिंग्स, बाइसन, टाइगर, राइनोसोरस, ये सब आपको देखने को मिलेगी। फिर मेसोलिथिक एज आ जाती है, यहां पे पेंटिंग्स और ज्यादा एफिशिएंट होती गई, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया लोग आके बसते गए, पेंटिंग्स और ज्यादा एफिशिएंट होती गई, स्मॉल इन साइज होती गई। यहां पे आपको हथियार भी देखने को मिलेंगे, स्पीयर्स, बोज, एरोज, इन सब की भी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी कि ये लोग शिकार कर रहे हैं इन सारे वेपन से। यानी कि तब तक मेसोलिथिक एज भैया इंसान ने हथियार भी खोज लिए थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ पेंटिंग्स में तो ट्राइबल वॉर भी दिखाए गए हैं, एक से ज्यादा ट्राइब्स के बीच में वॉर, डांसेस, बर्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माता और बच्चे, इन सबकी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, मैन कैरिंग डेड एनिमल्स। उसके बाद पीरियड थ्री चालकोलिथिक यानी कि कॉपर एज, अब नियोलिथिक एज पे हम आ गए हैं। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे भी बहुत सारी पेंटिंग जो है वो दिखाई गई है, यहां पे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की पेंटिंग दिखाई गई है कि लोग जो है एक दूसरे से कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पीरियड फोर और पीरियड फाइव रिलीजियस फिगर्स की पेंटिंग्स मिलेगी, पीरियड सिक्स, पीरियड सेवन मेडिवियल पीरियड, और नटराज की भी देखने को मिलेगी, रिलीजियस फिगर्स की भी पेंटिंग देखने को मिलेगी, यक्ष की भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर था दोस्तों रॉक शेल्टर्स पे, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।